ये देश बदल गया है, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। यूपीए की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे, सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा, और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया, और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई। तो ये था वो देश, ये 13 बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, 13 रेप वर्सेस मेरा रेप कब चर्चा नहीं करता था। था वो मीडिया जिसका जमीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी, और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश, ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता, जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश, ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है, और तब भी भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है, और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है कि कहीं उसको सदन में बोलना ना पड़ जाए।